Hey everyone, welcome to Belly JT's. आप लोगों के घर पर दीवार पर लगी वो वॉल क्लॉक या फिर आपके हाथ में पहनी वो रिस्ट वॉच आप लोगों को सिर्फ वक्त बताती है, लेकिन नीट 2023 की प्रेपरेशन करते हुए जो टाइम टेबल आप लोग खुद के लिए बनाएंगे और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ये टाइम टेबल ना सिर्फ आपको आपका वक्त बताएगी बल्कि आपका वक्त सवारेगी भी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2023 प्रिपरेशन करते हुए किस तरीके से आप लोग खुद के लिए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना सकते हैं ताकि हर एक सेकंड को आप लोग नीट की तैयारी के लिए यूटिलाइज करवा सके। जिससे पहले मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से बात करूं, बच्चों आप में से काफी बच्चे मुझे नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन बैंक, PYQs की बुक इन सभी के लिए पूछ रहे थे। तो जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती चली जा रही है कि मार्केट में कौन कौन सी अच्छी बुक्स रिलीज हो रही है, मैं आप लोगों को अपने आने वाले वीडियोस में इन्फॉर्म करती रहूंगी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपकी नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए आप लोग PYQs के लिए कौन सी बुक यूज कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशंस की LLS 35 years NTA नीट UG फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs की बुक रिलीज हुई है। बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक अवेलेबल है। इस बुक में आप लोगों को 1988 से लेकर 2022 पिछले 35 सालों के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज PYQs आपको मिलेंगे विद एरेलेस डिटेल्ड सॉल्यूशन। सबसे शानदार बात इस किताब में मुझे ये लगी बच्चों कि हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन NCERT के किस पेज से उठाया गया है। साथ ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को उस आंसर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। हर चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस भी मिलेगा कि इस चैप्टर के किन टॉपिक से नीट में पिछले सालों में कितने क्वेश्चंस बनकर आए हैं। इस बुक में एक लिंक भी प्रोवाइड करा हुआ है जिसके जरिए फ्री ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें नीट 2022 का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो दिशा पब्लिकेशंस की LLS 35 इयर्स NTA नीट UG सॉल्व पेपर्स की बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। PYQs के लिए कोई किताब अभी तक नहीं खरीदी है तो इन बुक्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल के बारे में। मैंने दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया है। पहला जिन्होंने कोचिंग लेते हुए नीट के लिए ड्रॉप लिया है और दूसरे आते हैं वो बच्चे जो कि बिना कोचिंग के सिर्फ सेल्फ स्टडी के जरिए नीट की तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नीट 2023 ड्रॉपर स्टूडेंट्स विदाउट कोचिंग। कोचिंग ले रहा बच्चा और कोचिंग ना ले रहे बच्चे में सबसे बड़ा डिफरेंस डिसिप्लिन का ही आता है। भाई कोचिंग कर रहे बच्चे को ऑलरेडी कोचिंग वालों ने एक टाइम टेबल प्रोवाइड कराया हुआ होगा कि इस महीने हम लोग ये सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, अगले महीने हमारा टारगेट इन चैप्टर्स का रहेगा, उसके अगले महीने ये चैप्टर्स करेंगे। लेकिन विदाउट कोचिंग वाला बच्चा इसी उलझन में उलझा रहता है कि इस हफ्ते में क्या पढ़ूं, अगले हफ्ते क्या पढ़ूं, और कई बार क्या पढ़ूं सोचने में ही इतना वक्त निकल जाता है कि बच्चा कंफ्यूजन से ही बाहर नहीं निकल पाता और सिलेबस फिर अधूरा ही छूट जाता है। तो बच्चों चाहे तुम टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कर ना भी पाओ पर इतना ध्यान रखना कि हर दिन की शुरुआत करने से पहले तुम्हारे पास वो टारगेट्स रेडी होने चाहिए कि आज पूरे दिन भर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स करने वाला हूं। अगर आप लोग बच्चे ड्रॉपर कैटेगरी में नहीं होते, पार्शियल ड्रॉपर्स होते या फिर नीट की तैयारी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते, 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहे होते, तो मैं आप लोगों को कह सकती थी कि आप एक दिन में 2 subjects a day करते हुए तैयारी करो। लेकिन क्योंकि आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो तो आप लोग एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए जरूरी भी है। तो नीट की तैयारी करते हुए विदाउट कोचिंग वाले बच्चों के लिए ये टाइम टेबल रहेगा। मैं एक बार स्क्रीन से हट रही हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग सुबह के 6 बजे तक तो प्लीज उठ जाइएगा। ड्रॉपर स्टूडेंट हो, घर पर ही बैठे हो, कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से खुद को ही मोटिवेट करना है कि डिसिप्लिन वे में तैयारी करनी है। 6 बजे आप लोग उठ जाएंगे, मैं तुम्हें पूरे आधे घंटे का टाइम दे रही हूँ। उठो, मुंह हाथ धुलो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, जितना हो सके खुद को फ्रेश फील कराओ। गेट अप एंड गेट रेडी टू स्टडी। 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सुबह के 2 घंटे तुम लोग बायोलॉजी पढ़ोगे। सुपर इजी सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं इजी चीजों से शुरुआत करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दिन अच्छा जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जनता। 8:30 से 10 बजे में आप लोगों को एकदम फ्री टाइम दे रही हूँ। इतना ज्यादा फ्री टाइम इस वजह से भी दिया है क्योंकि काफी बच्चे हैं जो घर पे अपनी मम्मी की किचन में खाना बनाने में मदद करते हैं, या फिर काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि PG लेकर कहीं बाहर रह रहे होंगे और खुद ही कुक कर रहे होंगे, तो घर के काम में घर वालों की मदद करने के लिए मैं आप लोगों को इतना टाइम दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके घर में घर के काम करने के लिए कोई और लोग अवेलेबल है, आप लोगों के लिए कंप्लीट फ्री टाइम रहेगा, तो आप इस टाइम में भी अपने लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाला टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 से 12:30 बजे तक या तो आप फिजिक्स पढ़िए या फिर
केमिस्ट्री पढ़िए, आपको इस सुबह के टाइम पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लग रहा है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे करेंगे। 12:30 से 1 बजे आधे घंटे का मैं आपको ब्रेक टाइम दे रही हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, फोन स्क्रॉल करना है कर लीजिए, दोस्तों से गप्पे मारनी है मार लीजिए। 1 से 2 बजे तक फिर वापस से आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। मेक श्योर कि दिन की शुरुआत होने से पहले आपके पास टारगेट रेडी है कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बैठकर सोचना नहीं है कि बायो में आज क्या पढ़ूं, फिजिक्स में क्या पढ़ूं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ूं, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 से 3:30 बजे तक वापस से फ्री टाइम दे रही हूँ, पूरे के पूरे 1.5 घंटे का फ्री टाइम। लंच कर लेना, लंच बनाने में मम्मी पापा की मदद कर लेना, लंच होने के बाद अगर बर्तन धोना या घर के और काम आप लोग करते हैं तो आप लोग वो वाला काम यहाँ पर कर सकते हैं। 3:30 से 5:30 बजे बच्चे वापस से, अगर आपने सुबह फिजिक्स पढ़ी थी तो अब आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, अगर सुबह केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आप लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। अब बच गए हैं आपके 5:30 से 6:30 बजे, भाई ब्रेक टाइम भी जरूरी है। वॉक कर लीजिए, कुछ खेलने का मन करता है, क्रिकेट बैडमिंटन कुछ खेलते हो तो वो सब चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। 6:30 से 8 बजे तक वापस से बच्चे या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने का मन है, आपके टारगेट में जो टॉपिक बचे हुए हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में से वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। 8 से 8:15 बजे तक आपका 15 मिनट का ब्रेक टाइम, 8:15 से 9 बजे तक आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों, 9 से 10:30 फिर 1.5 घंटे का डिनर ब्रेक दे रही हूँ। 1.5 घंटे के डिनर ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि 1.5 घंटे तक तुम खाना ही खा रहे होंगे, ये इतना बड़ा टाइम इसलिए दिया है कि वापस से कोई बच्चा अगर घर के काम करता है तो वो काम, रात को खाना बनाने का काम, घर वालों के डिनर बनाने में मदद करने का काम, वो सब वो यहाँ पर निपटा सकता है। 10:30 से 11:30 बजे तक पूरे दिन भर जो कुछ ही पढ़ा था उसका आप लोग रिविजन करेंगे, और लास्ट में 11:30 बजे आप लोगों का फाइनली सोने का टाइम हो गया है। सोने से पहले एक बार कल क्या करने वाले हो, नेक्स्ट डे कौन कौन से चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो, वो टारगेट्स लिखते हुए आप लोग सोएंगे। अगर आप लोग मेरे इस टाइम टेबल को एज इट इज फॉलो करते हैं या फिर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी लाते हैं तो लगभग 11 घंटे आप लोग पढ़ रहे होंगे, एंड विच इज मोर देन सफिशियंट मेरे बच्चे। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसको आप एज इट इज फॉलो करो, लेकिन इस टाइम टेबल के जरिए मैं आप लोगों को बता रही हूं कि आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, आप एक दिन में 11 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और ढेर सारा ब्रेक भी ले सकते हो। तो ये था ड्रॉपर स्टूडेंट विदाउट कोचिंग वालों का टाइम टेबल। अब मैं बात करती हूँ ड्रॉपर स्टूडेंट विद कोचिंग वालों के टाइम टेबल की। जहां तक मुझे लगता है बच्चे, जो बच्चा कोचिंग कर रहा होता है ना, तो कोचिंग की टाइमिंग ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए सुबह वाली ही रहती है, तो मैंने ये कंसीडर किया है कि आप लोगों की कोचिंग 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हैं कि आपकी कोचिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है या फिर 10 बजे से शुरू हो जाती है, इस टाइम टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि 3-4 घंटे की वो कोचिंग ड्यूरेशन के बावजूद भी किस तरीके से आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे सुबह 6 बजे से तो कोचिंग शुरू होती नहीं होगी जहां तक मुझे पता है आप लोगों का, ठीक है। तो 6 से 6:30 बजे आप उठे, फ्रेश हुए, वॉक कर ली, आधे घंटे का आपका गेटअप एंड गेट रेडी वाला टाइम मैंने आपको दे दिया। 6:30 से 7:30 बजे तक आप लोग क्या करेंगे, एक दिन पहले आपको कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया हुआ था फटाफट उसको रिवाइज करेंगे, ताकि आज जो फ्रेश पढ़ाया जाने वाला है कोचिंग में आप उससे कनेक्टेड फील कर सके कि कल जो पढ़ाया था ठीक है मुझे समझ आ गया, अब आज जो पढ़ाया है उससे मैं इजीली कनेक्ट हो सकूं, टीचर जो कुछ भी समझाए मुझे इजीली समझ आ सके। 7:30 से 9 बजे आप लोग कोचिंग के लिए तैयार हो जाइए, नहाएंगे धोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ट्रैवल करेंगे कोचिंग जाने के लिए। तो 9 बजे तक आप लोग अपने कोचिंग सेंटर पहुंच चुके हो, 9 से 2 बजे तक मैंने ये ले लिया कि आप लोगों की 5 घंटे की कोचिंग हो गई। 2 से 3:30 बजे तक मैं आपको लंच ब्रेक दे रही हूँ, आप लोग घर आ गए हैं, थकान लग गई होगी, पढ़ा होगा कोचिंग में बहुत सारा, ट्रैवल करते हुए थकान लग गई होगी, आप लोग लंच करेंगे और उसके बाद आप लोग आराम कर सकते हैं। 3:30 से 5 बजे तक मेरे बच्चे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट पढ़ने का आपको मन कर रहा है वो सब्जेक्ट उठाइए और उससे रिलेटेड कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसे पढ़िए, कोचिंग में जो DPP प्रोवाइड कराई गई, डेली प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराया गया उसे सॉल्व करिए। 5 से 5:15 बजे 15 मिनट का मैंने आपको ब्रेक दे दिया है। 5:30 से 6:30 बजे तक अगर यहाँ पर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो अब तुम फिजिक्स पढ़ो, अगर यहाँ पर फिजिक्स पढ़ी थी तो अब तुम केमिस्ट्री पढ़ो, कोचिंग में जो कुछ पढ़ा गया था उसे करो और DPP सॉल्व करो। 6:30 से 7:30 पूरे 1 घंटे का ब्रेक टाइम दे रही हूँ जनता। 7:30 से 9 बजे तक बायोलॉजी कोचिंग में जो कुछ पढ़ाया गया था बायोलॉजी पढ़ो, रिवाइज करो, DPP सॉल्व करो, और बायोलॉजी में जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया गया उससे रिलेटेड तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें खुद के नोट्स बनाने हैं तो तुम नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो। 9 से 10:15 बजे तक पूरे 1.25 घंटे का मैंने तुम्हें ब्रेक टाइम दे दिया है। 10:15 से 11:30 बजे तक
कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में जो कुछ ही पढ़ा गया था उसे रिवाइज करो। तो ये है उन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल जो कि विद कोचिंग नीट 2023 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं। बच्चे अगर ये टाइम टेबल पसंद आ रहा है इसको एज इट इज फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि इसमें चेंजेस की जरूरत है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकते हैं। आई होप ये टाइम टेबल वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों के बायोलॉजी की जेनेटिक्स की सारी वीडियोज मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरन कॉन्सेप्ट, सारी वीडियोज मेरी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है जहां पर बायोलॉजी के जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है। एक बार उन वीडियोस को भी जरूर चेक करिएगा। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूं कि नीट बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। तो स्टे ट्यून टू बायोलॉजी इट इज। इस पूरी जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरे साथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आपके साथ खुद भी रहें। अपने लिए टाइम टेबल बनाइए, डेली टारगेट्स बनाइए, खुद के हार्डवर्क पर भरोसा करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन जर्नी को खूब अच्छे से एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।